हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस तो ये है सीटेड जुलाई 2013 का पेपर वन एंड यहां से आप देखेंगे कि 2013 से सीटेड के पेपर थोड़े से डिफिकल्ट आने लगे हैं इससे पहले के पेपर काफ़ी इजी थे लेकिन अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो एक स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बढ़ जाता है यहां पर सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ट बाय Sternberg's ट्राई theory, except एक्सेप्ट आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है विच ड फिट इन टू ट्राई थियोरी स्टर्नबर्ग कॉम्पोनेंशियल सोशल एक्सपेरियंशियल एंड कंटेक्चुअल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू क्योंकि ये जो सोशल है ये रिलेटेड है वाई गॉड्स की से राइट right. एंड अगर हम यहाँ पर इस थ्योरी को थोड़ा सा समझें जो ये ट्रायर की थ्योरी है इसको थोड़ा सा समझे तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि जो ये वर्ड है कॉम्पोनेंशियल इसमें इन्होंने बात की कि भाई अगर आ, एक इंसान एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है तो वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाता है तो कॉम्पोनेंशियल थिंकिंग में या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने कहा कि आ, जब आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाएं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाएं, तो उसे कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस कहेंगे एक्सपेरियंशियल में स्टर्नबर्ग ने बात की है न्यू सिचुएशन के बारे में कि ये तरीके एक तरीके की क्रिएटिव इंटेलिजेंस है एक्सपेरियंशियल एक तरीके की क्रिएटिव इंटेलिजेंस है जिसमें हर एक इंसान नई सिचुएशन के साथ डील करना सीख जाता है कंटेक्सचुअल में इन्होंने बात की है कि हम हर एक इंसान अपनी Uh, सुविधा अनुसार अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मूल्ड कर लेते हैं एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन इन्होंने सोशल के बारे में बात नहीं की और यही इसका आंसर है तो ट्रायरकि थियरी में सोशल के बारे में बात नहीं हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन हावर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजिज तो इन्होंने एट टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है अब वो जो इंटेलिजेंस है वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करती हैं जनरल इंटेलिजेंस कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल या फिर कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स सो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट तो इन्होंने हर एक इंडिविजुअल की यूनिक एबिलिटी के बारे में बात की है आई मीन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की है नेक्स्ट है द साउंड्स ऑफ था फॉर च सो so, ये किस से डील कर रहे हैं हम ये क्या है मोरफीम्स हैं ग्रेफीम्स हैं लेक्सीम्स हैं या फिर फनीम्स हैं सो बेसिकली दीज आर फनीम्स क्यों क्योंकि ये देखो साउंड है थ फ च ठीक है ये साउंड है तो ये क्या हो गया फनीम्स क्योंकि ये फेनेटिक साउंड है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियो टाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड एक टीचर को क्या करना चाहिए कि उसकी क्लास में जेंडर स्टीरियोटाइप अवॉइड किया जा सके ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स के भाई लड़के लड़की दोनों को उनके ट्रेडिशनल रोल में फिट ना करके बल्कि नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में फिट करें अप्रिशिएट स्टूडेंट्स गुड वर्क बाय सेंग गुड गर्ल गुड बॉय तो या फिर टीचर को यह करना चाहिए कि लड़कियां अगर अच्छा काम करती है तो उनको बोले गुड गर्ल लड़की अच्छा काम करे तो बोले गुड बॉय डिस्करेज गर्ल्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन रेसलिंग या फिर लड़कियों को यह बोले कि भाई तुमको रेसलिंग में पार्ट नहीं लेना क्योंकि यह तो सिर्फ लड़कों का काम है एनकरेज बॉयज़ टू टेक रिस्क एंड बी बोल्ड या फिर लड़कों को एनकरेज करे कि तुम जो है बड़े राउडी होते हो तुमको तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क एंड बोल्ड होना रिस्क लेना जरूरी है बोल्ड होना ज़रूरी है तो यहां पर टीचर को क्या करना चाहिए बेसिकली सो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट तो यहां पर यह बताया गया कि एक टीचर को बॉयज एंड गर्ल्स को उनके नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में पुट करने की कोशिश करनी चाहिए नॉन ट्रेडिशनल रोल्स का मतलब क्या है जैसे लड़कियों को वो काम दे दिए जाए जिनके लिए लोग ज्यादातर ये मानते हैं कि ये लड़कियां नहीं कर पाएंगे और लड़कों को का ऐसे काम करने देना चाहिए जैसे कि जिसमें लोगों की मेन ये थिंकिंग होती है कि ये शायद काम लड़के नहीं कर पाएंगे राइट तो इस तरीके के काम इस तरीके के रोल लड़के लड़की को दे देना नेक्स्ट स्कूल्स शुड केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अब एक स्कूल को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करने के लिए क्या करना चाहिए नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के भाई उनके गैप को कम करना चाहिए या उनकी एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस को इवन आउट कर देना चाहिए या फिर दे शुड नो दैट वाई स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न एंड नॉट एबल टू लर्न तो ये देखना चाहिए भाई स्टूडेंट्स जो है वो क्यों लर्न कर पा रहे और क्यों नहीं कर पा रहे मतलब क्लास में ये होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी लर्न कर लेते कुछ नहीं कर पाते हैं तो अभी टीचर को ये देखना चाहिए कि कोई अगर बच्चा जल्दी लर्न कर रहा है तो क्यों कर रहा है और कोई लर्न कर नहीं पा रहा है तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करे मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फील एक्सक्लूसिव हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को हम एक्सक्लूसिव फील कराएं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें सो बेसिकली यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट हमने क्लास में जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस uh, का जो ये एक गैप बना रखा है ना इसको हमने कम करना है सबको एक लेवल पर लेकर हमने आना है वट काइंड स्कूल प्रोवाइड टू अड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसिस इन स्टूडेंट्स तो इस स्टेटमेंट में ये कहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं है आपको कुछ स्लो लर्नर मिलेंगे तो कुछ फास्ट लर्नर मिलेंगे तो कोई मॉडरेट लर्नर तो मिलेंगे राइट अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इसको स्कूल कैसे सपोर्ट कर सकता है ऑप्शन देखते हैं फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कि एक स्कूल को चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम फॉलो करना चाहिए एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स और बच्चों को अलग अलग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर बिल्कुल करेक्ट है

फोलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम हम हर स्टूडेंट के लिए सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉलो नहीं कर सकते ऑप्शन नंबर वन वुड बी करेक्ट सिंस देयर आर इंडिविजअल डिफरेंसेस तो स्कूल को चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को भी फॉलो करना है और अकॉर्डिंग टू देअर डिफरेंसेज एंड एज पर द नीड्स स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिवैल किस चीज पर एम्फेसाइज करता है ऑप्शन नंबर टेस्टिंग ऑन अ स्केल टू एंश्योर लर्निंग देखो हम टेस्टिंग नहीं करते तो यहां पर ऑप्शन अपने आप कट जाता है हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व रिकॉर्डेड एंड इंप्रूवड अपोन हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में क्या ये करते हैं कि भाई लर्निंग को हम ऑब्ज़र्व करते हैं उसको रिकॉर्ड करके और ये देखते हैं कि कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है बिल्कुल सही है मतलब एक तरीके की रेमेडियल जो है हम रेमेडियल uh, उनको ऐसे क्लासेस कह सकते हैं या ये कह लो कि हम एक तरीके से उनके जो गैप्स हैं ना उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सही है फाइन ट्यूनिंग ऑफ द टेस्ट्स एंड विद द टीचिंग नेक्स्ट है रिडेंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन नो, सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्कूल बेस्ड असेसमेंट स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होती है डाइल्यूट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन नो इट नेवर डाइल्यूट्स, मतलब क्या हुआ कि शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है नहीं ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जवाबदेही को क्यों कम करेगा ये गलत है ंडर्स जहां पर हिंडर वर्ड आ गया वो वैसे ही कट जाता है हेल्प ओल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस बिल्कुल सही है मेक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नॉन सीरियस एंड कैजल बिल्कुल गलत है तो ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी करेक्ट वन कि सभी बच्चों को हेल्प करना थ्रू डायग्नोसिस एंड उनके जो भी गैप्स हैं उनको ब्रिज मतलब जितने भी लर्निंग गैप्स रहे हैं उनको ब्रिज कर देना उनको बेसिकली फिल कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन रेडिनेस फॉर लर्निंग रेफर टू रेडिनेस फॉर लर्निंग किस चीज को रेफर करता है जनरल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट कोग्नेटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग कॉन्टिनम सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ लर्निंग थोनडाइक्स लॉ ऑफ रेडिनेस देखो यहां पर यह पूछा गया है कि रेडीनेस फॉर लर्निंग किस चीज को रेफर कर रहा है तो यहां तो थोन डाइक की वो बता दी है ना फोर्थ ऑप्शन में मतलब थियोरी ही बता दी तो ये थियोरी को थोड़ी ना रेफर कर रहा है ये रेफर कर रहा है दैट प्रेजेंट कोग्नेटिव लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स कि बच्चा जो अभी लर्न कर रहा है उसका प्रेजेंट कोग्नेटिव लेवल कितना है एंड हाउ मच ही इज रेडी टू लर्न बिकॉज अकॉर्डिंग टू थोन डाइक एक बच्चा या एक स्टूडेंट तभी अच्छे से लर्न कर सकता है वैन ही इज रेडी टू लर्न राइट अ स्टूडेंट कैन लर्न बेस्ट वेन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अ टीचर हैज सम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन इन हर क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर हर टू से क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक टीचर कुछ फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को डील कर रही हैं तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा द फर्स्ट वन इज व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रेन में टेक हेल्प ऑफ देअर पीयर्स इन गोइंग टू हॉल कि जो बच्चे व्हील चेयर पर या व्हील चेयर का सहारा लेते हैं वो अपने पीयर ग्रुप को कहेंगे कि वो उनको हॉल तक छोड़ छोड़ाएँ तो इससे बच्चों की सेल्फ स्टीम खत्म हो जाएगी तो ऐसा हम नहीं करेंगे फिजिकली इनकन्वीनियंस चिल्ड्रेन मे डू एन ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी इन क्लास तो इसमें यह कहा गया है कि जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं हम उनको कोई एक्स्ट्रा अलग सी एक्टिविटी दे सकते हैं राइट right? तो ये बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट है हम फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चों को ऐसे नाम से बुलाकर ये भी कह सकते हैं व्हाई डोंट यू यूज़ योर क्रचेज़ टू गो टू द प्लेग्राउंड ये भी सही है इससे उनका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा या फिर पोलियो एफ्लेक्टेड स्टूडेंट्स को हम ये कहें कि तुम सिर्फ गाना गाओ अब ये गलत है क्यों क्योंकि हम उनको ये दिखा रहे हैं तुम सिर्फ गाना गा सकते हो तुम चल फिर नहीं सकते या दौड़ का हिस्सा दौड़ में हिस्सा तुम नहीं ले सकते राइट सो so, देखो इसमें जो है ना एक्चुअली सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं बट अगर हम सी टेट की आंसर की से जाएँ तो इसमें ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द आंसर की ऑफ सी टेट ठीक है तो ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट आपको बताना है किसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती सेलिब्रल डिसफंक्शन इमोशनल बिहेवियरल कल्चरल तो करेक्ट आंसर है फोर्थ कल्चरल कल्चरल फैक्टर का लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है दैट मीन्स कि लर्निंग डिसेबिलिटी किसी भी बच्चे में हो सकती है चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो तो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट वन एन इंक्लूसिव स्कूल इंक्लूसिव स्कूल कौन सा होता है ऑप्शन देखते हैं इज कमिटेड टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इर रिस्पेक्टिव ऑफ देअर कैपेबिलिटीज कि भाई हर एक बच्चे की जो लर्निंग आउटकम है उसको इम्प्रूव करे एंड उनके बीच में कोई भी डिफरेंसेस ना हो एंड इस्पेक्टिव वर्ड है दैट मीन्स सभी के बारे में बात की गई है तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट नेक्स्ट है करना इसी वर्ड से यहाँ पर नेगेटिव Uh, जो है ये आंसर बन जाता है तो ऑप्शन ये काट देना कमिटेड पर्टिकुलरली टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन देखो हम इंक्लूसिव में ना सभी बच्चों की बात करते हैं सिर्फ स्पेशली एबल्ड बच्चों की बात नहीं करते तो ये भी कट जाता है और नेक्स्ट भी अपने आप कट ही जाता है एक्चुअली जो जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वन फिर भी अगर कोई डाउट ना रहे मैं फिर भी फोर्थ वन पढ़ देती हूं डिसाइड्स लर्निंग हीड ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देअर डिसेबिलिटी अगेन हम डिसेबिलिटी को ही ध्यान में रखकर थोड़ी ना इंक्लूसिव स्कूल चलाते हैं हम इंक्लूसिव स्कूल हर एक के लिए चलाते हैं ऑल राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिफ्टेड स्टूडेंट्स नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो शिक्षार्थी होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको सहयोग की आवश्यकता तो होती है मतलब उनको सपोर्ट तो चाहिए नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल दैट मीन्स कि वो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते तो ये बिल्कुल करेक्ट है कैन मैनेज देअर स्टडीज विदाउट टीचर नो कैन बी गुड मॉडल्स फॉर अदर स्टूडेंट्स कैन बी लर्निंग डिसेबल्ड इन करेक्ट फर्स्ट वन करेक्ट क्यों है देखो ये जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ना इनको क्रिएटिव टास्क चाहिए होते हैं राइट right? तो इनके लिए क्रिएटिव टास्क कंडक्ट करने होते हैं या फिर ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जो बिल्कुल एनरिच्ड हो और वहीं पर जो है ऑर्डिनारिली यही चीज़ें जो है प्रोवाइड नहीं होती है स्कूल में इनको सपोर्ट तो चाहिए लेकिन इनको एटमॉस्फेयर थोड़ा ऐसा चाहिए जिसमें इनको इनकी क्रिएटिविटी को और बाहर लाया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिफ्टेडनेस इज़ ड्यू टू जेनेटिक मेकअप एनवायरमेंटल मोटिवेशन कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड या साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट आई ऑलवेज से नॉट ओनली हेरिडिटी इनफैक्ट एनवायरमेंट का भी पूरा रोल होता है तो जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल मोटिवेशन सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू थिंक एंड लर्निंग इन चिल्ड्रेन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन ऑप्शन में से बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन सा उपयुक्त है तो यहां पर आपको बताना है कि विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रोवाइडिंग थिंकिंग एंड लर्निंग इन द चिल्ड्रेन पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम पैसिव लिसनिंग करेंगे तो बच्चे क्या ही इंटरेस्ट लेके सुनेंगे तो ये गलत है होम असाइनमेंट बार बार देंगे बच्चे बोर हो जाएंगे नहीं भी करके लाएंगे इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर अलाउिंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजन अबाउट वट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न ये करेक्ट है कि हम थोड़ा सा बच्चों को भी छूट दें कि उन्हें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है और कैसे सीखना है ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी छूट देनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी मोटर स्किल्स की जो है उसे क्या कहते हैं डिस्फ्रेक्सिया डिस्कैलक्यूलिया डिस्लेक्सिया या डिस्फेजिया ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट डिस्फ्रेक्सिया नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी क्या एक स्टेबल स्टेट है वेरिएबल है या फिर इट डजेंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ इम्पेयर फंक्शनिंग और या फिर इसे आप इंप्रूव नहीं कर सकते तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू क्यों है रीजन क्या है तो देखो लर्निंग डिसेबिलिटी वेरिएबल होती है ये फिक्स नहीं होती बल्कि ये वेरिएबल होती है कैसे लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जैसे डिसकेल्कुलिया डिसग्रैफिया डिसलेक्सिया या जो ऊपर हमने ये पढ़ी ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है राइट right? अब इन सभी डिसेबिलिटीज़ को आप एड्रेस भी कर सकते हैं बेसिकली इसके अलावा आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं अगर आप उसे अप्रोप्रिएट इनपुट प्रोवाइड कराएंगे एंड आप इसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं सो दैट्स वाई लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ वेरिएबल स्टेट मतलब ऐसा नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी स्टेबल है तो वही की वही रहेगी उसे आप इंप्रूव रिड्यूस कर सकते हैं ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सोल्विंग एक्सेप्ट आपको बताना है कि प्रॉब्लम सोल्विंग के प्रोसेस में इन चारों में से कौन सा पार्ट नहीं आता आपको एक्सेप्ट वाले पे आंसर करना है ठीक है तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले Identification of problem, breaking down the problem into smaller parts, explore possible strategies, anticipate outcomes. तो पहले में तो ये बताया कि आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है दूसरे में ये बताया है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो थर्ड में बताया है कि पॉसिबल स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करो एंड फोर्थ वन इज एंटीसिपेट द आउटकम तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता ही नहीं है कौन सा ऐसा स्टेप है सो सेकंड स्टेप जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में नहीं आता अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं तो देखो सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे राइट right? एंड जो सब गोल्स हैं उनको सेट करोगे उसी को कहते हैं एंटीसिपेट आउटकम्स ऑल राइट फिर उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद आ, एंटिसिपेट करने के बाद आप जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उनको एक्सप्लोर करोगे एंड देन बाद में इवेल्यूएट करोगे ये चार स्टेप्स होते हैं इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू है नेक्स्ट क्वेश्चन अ टीचर शुड टीचर को क्या करना चाहिए देखते हैं

सो so, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री एक टीचर को ना बार बार बच्चे को नहीं टोकना चाहिए जब बच्चा अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर रहा है ठीक है जब शिक्षार्थी अपने विचारों को आगे बता रहा है तो उस टाइम पर टीचर को ठीक नहीं करना चाहिए पहले बच्चे को बोलने का मौका देना चाहिए सो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा इज डेस्परेट टू स्कोर ए प्लस ग्रेड इन एन एग्जामिनेशन सीमा चाहती है कि उसके एग्जाम में ए प्लस ग्रेड आए एज शी एंटर्स द एग्जामिनेशन होल एंड द एग्जामिनेशन बिकेम सॉरी बिगिनस एंड शी बिकम्स एक्सट्रीमली नर्वस जैसे एग्जाम शुरू होता है तो वो क्या हो जाती है नर्वस हो जाती है हर फीट गो कोल्ड हर हार्ट स्टार्ट पाउंडिंग एंड शी इज अनेबल टू आंसर प्रॉपरली प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज दैट आपको बताना है कि सीमा ए प्लस स्कोर करना चाहती है लेकिन जैसी एग्जाम देने बैठती है नर्वस हो जाती है ऐसा क्यों होता है इसके पीछे रीजन क्या है शी मे नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रिपरेशन शी मे बी थिंकिंग एक्सेसिवली अबाउट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इन विजिलेटर टीचर ऑन ड्यूटी मे बी ह्लास टीचर एंड शी इज ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट नेचर शी मे नॉट बी एबल टू डील विथ सडन इमोशनल आउटबर्स्ट करेक्ट जब भी आप कभी एग्जाम देने जाओगे और आप कभी अपनी थिंकिंग में पौंडर होने लगते हो दैट मीन्स वो आपका इमोशनल आउटबर्स्ट है राइट right? इसलिए कहते हैं इमोशनल बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है सो ऑप्शन नंबर फोर वुड बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्नेटिव वर्ब्स आर यूज टू एनालाइज़ द इंफॉर्मेशन गिवन तो यहाँ पर एनालाइज द इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन को एनालाइज़ करना एंड इट हैपन्स इन ब्लूम्स टेक्सिनमी तो एनालाइज में उन्होंने क्या बताया कंपेयर करना सेपरेट करना इन्फॉर्मेशन को या इंफॉर्मेशन को डिफरेंशिएट करना इन्फॉर्मेशन को अरेंज करना सो डिफ्रेंश इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है राजेश एक वोरेसियस रीडर है और वो कोर्स बुक के अलावा अलग अलग टॉपिक्स की बुक्स भी पढ़ता रहता है एंड वो अपने प्रोजेक्ट लंच ब्रेक में भी करता रहता है उसे इस चीज़ के लिए कोई प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसे खुद से रीड करना या खुद से लर्न करना पसंद है तो ये कौन सा मोटिवेशन है फैक्ट सेंटर्ड लर्नर है या टीचर मोटिवेटेड लर्नर है या असेसमेंट सेंटर्ड है या इंट्रेंस मोटिवेटेड है तो इंट्रेंस मोटिवेटेड इज द करेक्ट आंसर क्योंकि यहां पर उसका कोई पर्पज नहीं है राइट सो विदाउट पर्पज जो काम किया जाए वो इंट्रेंस मोटिवेशन है प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं अगर हम उनको डिस्कवर करने के लिए कुछ अलाउ कर देते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं लेकिन अगर उनको डिस्करेज कर दिया तो वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं सो दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन टू मतलब वे जो भी करते हैं ऐसा वो उनकी किस अभिप्रेरणा के कारण करते हैं किस मोटिवेशन के कारण करते हैं रिड्यूस देयर इग्नोरेंस अफिलिएट विद क्लास क्रिएट डिसऑर्डर इन द क्लास एक्सरसाइज देअ पावर सो ऑप्शन नंबर वन वुड बी करेक्ट मतलब उनकी जो अपनी उपेक्षा है उसको कम करने के कारण बेसिकली ऐसा होता है नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट इनेबल्स अ टीचर अगर एक टीचर ह्यूमन ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट को समझ जाती है तो इससे टीचर जो है किसके योग्य बन जाती है गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस वाइल टीचिंग कि भाई जब टीचर टीच करे तो वो लर्नर्स के इमोशंस को कंट्रोल करे नहीं और इमोशंस को ऐसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता ना इसको बैलेंस किया जा सकता है बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स

फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस क्वेश्चनिंग बाई टीचर कंस्ट्रेंट कॉग्नेटिव डिवेलपमेंट सो टीचर जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों की जो संज्ञानात्मक विकास है उसे उसमें कंस्ट्रेन हो जाता है उसमें बाधक हो जाता है तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है कट जाएगा स्टूडेंट एक सर्टेन वे में ही सीखते हैं ये भी कट जाएगा क्योंकि ये वेरिएबल है स्टेटिक नहीं है ये ऐसे लर्निंग जो है अब जो डेवलपमेंट और लर्निंग है क्या वो सोशल कल्चर से अफेक्ट नहीं होती बिल्कुल होती है सो so ये भी कट जाएगा तो बच्चा कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री सो प्ले क्या है इट इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्नेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस मतलब खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड चाइल्ड के डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का कौन सा रोल ट्रू है द relative कॉन्ट्रीब्यूटर्स द relative कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ पियोर एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टूगेदर ये तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट तो एक साथ होते हैं ये तो एक साथ ऑपरेट होते हैं नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट वाई एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्स हैरिडिटी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट फिफ्टी ईच इन द डिवेलपमेंट ऑफ द चाइल्ड नहीं इसमें जो है ना करेक्ट होगा वन कैसे देखो क्वेश्चन के आंसर में जब आप देखोगे तो क्वेश्चन से आंसर को समझो क्वेश्चन में ये कहा गया कि डिवेलपमेंट जो है ना बच्चे का उसके हिसाब से आपको बताना है कि इस डिवेलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का क्या रोल है तो ये एडिटिव नहीं है बल्कि ये क्या है प्रोडक्टिव है राइट right? एडिटिव में तो क्या होता है हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट जबकि डेवलपमेंट में अगर आप देखोगे तो हेरिडिटी प्रोडक्टिव में होता है प्रोडक्टिव में मतलब मल्टीप्लाई एंड एनवायरमेंट सो ये करेक्ट फॉर्मूला है सो इसीलिए ऑप्शन नंबर वन इज़ करेक्ट और अगर अभी भी आपको नहीं समझ आए ना मैंने इसके अलग से एक वीडियो बना रखी है आप प्लीज़ एक बार नाम मेरा लिख के लर्निंग विथ पेस और ऐसा क्वेश्चन लिख के आप इसको सर्च करेंगे ना हेरिडिटी एनवायरमेंट का आपको सारा का सारा जो जितना भी डाटा ना वो सारा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वन इज सोशलाइजेशन क्या है रेपर्ड बिटवीन टीचर एंड टॉट नो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी नो अडेप्टेसन ऑफ सोशल नॉर्म्स या चेंज इन सोशल नॉर्म्स ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी करेक्ट वन क्योंकि जब भी हमने सोशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा है हमेशा एक ही बात हुई है कि सोसाइटी के हिसाब से जो अपने आप को अडेप्ट कर पाए राइट right? तो वही सोशलाइजेशन कहलाएगा सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अपी टी टीचर वॉन्ट सर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट एक टीचर चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो क्रिकेट uh, के टाइम पर अपने फील्डिंग को इम्प्रूव करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज विल बेस्ट हेल्प हिस् स्टूडेंट्स टू अचीव द गोल तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट काम आएगी बच्चे के टेल स्टूडेंट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर देम टू लर्न टू फील्ड ये बिल्कुल ऐसे बताना नहीं है एक एग्जाम्पल सेट करना होता है एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंडट नो डेमोन्स्ट्रेट फील्डिंग वाइल स्टूडेंट्स ऑब्जर्व या फिर गिव स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग से देखो बात वो ये ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो ऑप्शन नंबर फोर वुड बी करेक्ट बच्चे को जो है काफ़ी प्रैक्टिस कराई जाए फील्डिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन आर टीचर विशेज टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ सिचुएशन शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू डिबेट ऑन दिस सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप्स अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक जो शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना करें मतलब एक सिचुएशन के अलग अलग व्यूज़ की सराहना करें उसको अप्रीशियेट करें और टीचर जो है अब क्या प्रोवाइड कर रही है बच्चों को मल्टीपल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है ताकि वो इस चीज़ पर डिबेट कर सकें तो अगर हम वाइगोत्स्की के परस्पेक्टिव से देखें हर स्टूडेंट विल डैश वेरियस व्यूज़ एंड डवेलप मल्टीपल परस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑन देयर ओन तो अब अगर हम इस सिचुएशन को वाइगोत्स्की के प्रस्पेक्टिव से देखें तो अब करेक्ट आंसर क्या होगा तो बच्चे जो है वो क्या करेंगे अपने व्यूज को इंटरनलाइज करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑपरेशनलाइज करेंगे या रेशनलाइज करेंगे सो so इसमें जो है करेक्ट आंसर वुड बी योर इंटरनलाइज अब आप यहां पर ये यह भी सोच रहे कि उनकी थियरी तो ये थी ना थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली सो यहां पर इंटरनलाइज कैसे हो जाएगा क्योंकि यहां टीचर जो है वो ऑलरेडी सिचुएशन भी दे रही है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है तो वो चीजों को मिलवा रही है और बच्चों को मौका दे रही है अपने विचारों को आत्मसात करने का सिचुएशन देकर तो इसलिए इंटरनलाइज हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड तो सीता ने क्या सीखा है कि राइस एंड दाल को हाथ से खाना है वेन शी इज गिवन दाल एंड राइस शी मिक्स दाल एंड स्टार्ट ईटिंग तो वो जब उसको दाल एंड राइस मिलते हैं तो वो क्या करती है चावल दाल को मिलाकर खा लेती है सो शी हैज डैश ईटिंग राइस एंड दाल इंटूअर्स फॉर डूइंग थिंग्स देखो उसने वो ऑलरेडी सीखा है तो इसीलिए असीम्युलेशन हो जाएगा असीम्युलेटेड हो जाएगा अगर यहाँ पर मूल्ड वर्ड आ जाता तो क्या हो जाता अकोमोडेटेड तो यहाँ पर आंसर होगा असीम्यटेड सो यहाँ पर हमारा ये जो सी डी पी का Uh, जो ये पेपर है ये कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर टू के बारे में बात करेंगे जो टू जुलाई 2013 में हुआ था थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो